इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय चव्हाण। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थान की तरह पंजाब में भी कई रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि पटियाला, कपूरथला, नाभा और पटौड़ी। उनमें से ही एक रियासत थी मलेरकोटला, जिसका इतिहास काफी खास है। आइए देखें। यह है पंजाब का मलेरकोटला शहर। देखने में तो ये भारत के किसी भी अन्य शहरों की तरह दिखता है, पर इस शहर की खासियत ये है कि मान्यता अनुसार यहाँ के नवाब परिवार पर सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह का आशीर्वाद है। इसी वजह से सिख इतिहास में इस शहर का बड़ा महत्व है। मलेरकोटला के गौरवशाली इतिहास की जड़ें सन 1704 के उस वाक्य से जुड़ी है जो सिख इतिहास में हादा नारा के नाम से मशहूर है। हादा नारा की कहानी जानने हम गए मलेरकोटला, जहां पर इतिहास की गौरवशाली इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। सन 1947 तक पंजाब में कई बड़ी और छोटी रियासतें थी, जैसे कि पटियाला, कपूरथला और पटौदी। मलेरकोटला ऐसी ही एक रियासत थी जिस पर शेरवानी खानदान के नवाब राज करते थे। मलेरकोटला का इतिहास शुरू होता है 15वीं शताब्दी में। उस समय बहुत से सूफी शेख भारत आकर बस गए थे, जिनमें से एक थे शेख सदरुद्दीन सादेर जहां, जो खुरासन से एक शेरवानी अफगान थे। मान्यता के अनुसार शेख सदरुद्दीन सन 1449 में मलेर नामक जगह पर बस गए थे। माना जाता है कि सन 1451 की एक रात बहलोल लोधी नामक अफगान सेना प्रमुख दिल्ली पर चढ़ाई करने अपनी फौज के साथ गुजर रहे थे। उस समय दिल्ली पर सैयद राजवंश की सत्ता थी। उस रात बहुत बड़ा तूफान आया और बहलोल लोधी को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां उन्होंने आसरा लिया। ये झोपड़ी थी शेख सदरुद्दीन की। तब शेख ने बहलोल लोधी को आशीर्वाद दिया कि वो एक दिन दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे। बहलोल लोधी ने दिल्ली पर हमला कर उसे जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान बने। सन 1452 में सुल्तान बहलोल ने मलेर की जागीर शेख सदरुद्दीन को भेंट की और यहीं से शुरुआत हुई मलेरकोटला के शेरवानी नवाब खानदान की। सन 1452 से 1947 तक लगभग 500 साल यहाँ नवाबों का राज रहा। ये अफगानिस्तान से आए थे, तो ये 600 साल पुरानी रियासत है। तो यहाँ पे एक मजार है जिसका शेख सदरुद्दीन हजरत शेख अपने मालेर में है, ये जगह दरगाह है। तो वो यहाँ एक दरिया था, उसके किनारे पे अपनी झोंपड़ी बना के अपने इबादत करते थे। तो वहाँ उनको मतलब जब ये फौजें कोई आ रही थी, जैसे बहलोल लोधी वगैरह ये दिल्ली फतेह करने जा रहे थे, तो उन्होंने आके अपना पड़ाव वहाँ डाल लिया। तो वहाँ डालने के बाद जब उन्होंने देखा कि एक तूफान उठा, जैसे कि कोई आंधी वगैरह, तो उनके टेंट वगैरह, खेमे वगैरह सारे उखड़ गए। उनको बाद देखा कि एक झोंपड़ी है कि उनका तिनका तक नहीं हिला। ऐसे ही जब उन्होंने जाके देखा, उन्होंने बताया बादशाह को कि भाई ऐसा ऐसा मामला है वहाँ, ये एक वहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। तो वो गए, उन्होंने जाके देखा कि ये तो कोई हस्ती हैं। जो उन्होंने कहा जी हम ऐसे ऐसे बाबा जी, हम दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, हमें दुआ कीजिए कि हम दिल्ली फतेह करके आएँ। तो उनके बाद वो चले गए, तो दिल्ली फतेह हुई। वापसी के ऊपर आके वहाँ बाबा जी से मिले कि उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली फतेह हो गई, तो आपसे कुछ हम मांगना चाहते हैं, देना चाहते हैं आपको, आप हाँ कर दो। उन्होंने कहा भी मैं क्या हाँ कर सकता हूँ। खैर उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी।
उनके दो बेटे हुए, बेटे के नाम बाद में एक के हिस्से में राजपाट आया, एक के हिस्से में फकीरी आई, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आज मलेरकोटला के नवाब खानदान की आखिरी वारिस हैं बेगम मुनावरुन्निसा, जो मलेरकोटला के आखिरी नवाब इफ्तिखार अली खान की विधवा हैं। आज बेगम साहिबा की उम्र 97 साल है, लेकिन गुजरे हुए राजसी वैभव की यादें उनके दिल में आज भी जिंदा हैं। उम्र की वजह से बेगम साहिबा ज्यादा बोल नहीं पाती, पर उनके बोल में मलेरकोटला के पुराने दिनों की यादें झलकती हैं। तो जाती रहती हूँ, आपके जरा थोड़ी देर हो गई। बहुत जी भी अच्छे थे, कुक अच्छे थे। शिकार की क्या बात है करो, शेरों के शिकार में भी गई सामने गई मैं तो। डरती बहुत थी शेर के शिकार में, तो वह टोंक में भी थे शेर और जगह भी गए हैं मेरे ख्याल से आधी इंडिया में तो फिर गए थे शेरों के मारे शिकार। मलेरकोटला का मुबारक मंजिल पैलेस, जो नवाबी शानो शौकत का गवाह रहा, आज जर्जर हालत में है। यहाँ का सारा कारोबार महमूद खान संभालते हैं, जो बेगम मुनावरुन्निसा के मैनेजर हैं। मुगल काल में सरहिंद, जो मलेरकोटला से 62 किलोमीटर दूर है, व्यापार और मुगल शासन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बादशाह औरंगजेब के काल में मुगल शासन और सिखों में तनाव बढ़ने लगा था। सन 1696 के बाद मुगलों और सिखों में कई लड़ाइयां हुई। सन 1704 में गुरु गोबिंद सिंह के दोनों छोटे बेटे, जिन्हें साहिबजादे भी कहा जाता था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के सूबेदार वजीर ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर खान ने अपनी कचेरी में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का फरमान सुनाया। तब उस कचहरी में मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान भी मौजूद थे। उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई और सूबेदार के इस फैसले का डटकर विरोध किया। फिर भी वजीर खान नहीं माने। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों की सजा बरकरार रखी। ये देख सुनकर नवाब साहब हादा नारा यानी हक की आवाज बोलकर वहां से बाहर चले गए। जैसे जंगें चलती थी उस जमाने में, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहबजादों को कैद कर लिया। कैद करने के बाद हुक्म सुनाया गया कि इनको दीवारों में चनवाया जाए। तो नवाब शेर मोहम्मद खां को कहा गया कि आके बदला ले लो। उन्होंने कहा बच्चों से क्या बदला, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता इसकी। कहाँ लिखा है मासूम बच्चों को या किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुल्म है? ये सरासर जुल्म है, मैं इसको इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो जो आप कर रहे हो। तो वो वहाँ से उनको ये हुआ कि हा का नारा, इसको हा का नारा कहा जाता है बादल। तो वो वापस आ गए, तो बच्चों को जब उन्होंने कोशिश की, औरंगज़ेब को एक लेटर लिखा पर्शियन में कि बच्चों को छोड़ा जाए या मेरे हवाले कर दिया जाए, मैं उनकी वो पालूँगा या जैसे भी था, कि बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है, ये गलत है, इस्लाम से हटके है। खैर इतने में वो लेटर वहाँ पहुँचता या किसी भी, तो उससे पहले ये काम मुकम्मल कर दिया गया था। बच्चे शहीद हो गए और बच्चों को नियों में चनवाया जा चुका था। तो उनको पता चला कि मेरे बच्चों के हक में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, कोई भी नहीं बोला कि मेरे पे बच्चों पे इतना बड़ा जुर्म। कि जी हाँ बोला कि नवाब शेर मोहम्मद खां, उन्होंने कहा कि ये सरासर जुल्म है, गलत है। तो उन्होंने बच्चों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, तो जिसको हा का नारे का नाम दिया गया। तो गुरु जी महाराज ने एक तलवार वहाँ से श्री साहब रायकोट से नवाब शेर मोहम्मद खां को प्रेम संदेश के तौर पे यहाँ भेजी, और वो आज भी यहाँ सुरक्षित है मलेरकोटला में, बेगम साहिबा के पास आज भी यहाँ सुरक्षित है। ये हादा नारा सिख कौम के लिए एक अमर नारा बन गया। इसी याद में मलेरकोटला में हादा नारा गुरुद्वारा भी बनवाया गया है। जब इस घटना की जानकारी गुरु गोबिंद सिंह को हुई, तो उन्होंने पत्र लिखकर नवाब शेर मोहम्मद खान के प्रति आभार जताया। कहा जाता है तब से मलेरकोटला पर गुरुओं का वरदान है। सालों बाद जब सन 1783 में सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब के मुगल शासकों को खदेड़ा, तब भी
मलेरकोटला पर आक्रमण नहीं हुआ। यहाँ तक कि सन 1947 में भारत और पाकिस्तान बंटवारे के वक्त मलेरकोटला में कोई दंगे नहीं हुए। यहाँ के ज्यादातर निवासी यहीं रहे, पाकिस्तान नहीं गए। आज भी मलेरकोटला नवाब शेर मोहम्मद खान की याद में गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के मुख्य द्वार का नाम शेर मोहम्मद खान दिया गया है, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे शहीद हुए थे। यहाँ पे मलेरकोटला में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह रहते थे। आपस में इतना प्यार इतना प्रेम था कि एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी यहाँ पे, और आज भी नहीं है। ये एक ऐसा था कि जैसे एक गुलदस्ता हो फूलों का, अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, हर फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है, मगर एक गुलदस्ता बन के एक अजीब किस्म की ट्रॉफी बन जाती है वो। तो इस तरह यहाँ आज भी रह रहे हैं, और उस वक्त से भी ये मिसाल है मलेरकोटला की कि यहाँ हर तरह का हर मजहब का आदमी यहाँ रहता है, और आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत है, कोई नफरत नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक चीज़ और है कि गुरु साहब का वरदान भी था मलेरकोटला का कि ये कायम रहेगा मलेरकोटला, यहाँ कोई ऐसी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मलेरकोटला सन 1871 और 72 के कूका विद्रोह का केंद्र भी रहा। बाबा राम सिंह कूका पंजाब के एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ बना, जो नामधारी या कूका पंथ कहलाया जाने लगा। उसी समय जब नामधारी सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तब मलेरकोटला में अंग्रेजों ने 65 नामधारियों को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। इन नामधारी शहीदों की याद में मलेरकोटला में एक स्मारक भी बना है। हमारी कोशिश भी है, हम शुरू से चाहते हैं, बेगम साहब भी यही चाहते हैं कि ये जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह है, जैसे कि मुबारक मंजिल पैलेस, शीश महल, यहाँ के शाही मकबरे, कि इनमें एक यादगार गवर्नमेंट ऐसा करे या कोई भी ऐसा हो कि ये एक निशानी बन के रहे, रहती दुनिया में आने वाली जनरेशन को पता चले कि रियासत मलेरकोटला भी कोई चीज़ थी, यहाँ पे जगह थी। मलेरकोटला के इतिहास की ये निशानियाँ अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। लगता है शायद ऐसा भी एक समय आएगा जब इनकी कोई भी निशानी नहीं बचेगी। मलेरकोटला के नवाबी इतिहास की गवाह 97 वर्षीय बेगम साहिबा की आर्थिक हालत आज बहुत ही खराब है। आशा है कि सरकार और हम सब मिलकर उनकी सहायता कर सकें। अब हम आपसे लेते हैं विदा, और कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी।